Assalamualaikum guys, good morning, good afternoon, good evening, जहाँ जहाँ सुबह हो रही है उनको गुड मॉर्निंग, जहाँ पे दिन चल रहा है उनको गुड आफ्टरनून, जहाँ पे रात चल रही है उनको गुड इवनिंग। ग्लेजी मॉन्स्टर स्टार मेकर इवेंट के न्यू जो है पार्ट के साथ मैं वीडियो लेके आई हूँ। मैं खान कहते हैं मुझे, और हम जो है अब जल्दी से वीडियो के अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियोज़ बहुत लंबी हो जाती हैं और मेरा नहीं ख्याल कि कोई लंबी वीडियो देखना पसंद करता है और कोई ज़्यादा बक बक भी सुनना पसंद करता है। चलिए जी, ये देखिए यहाँ से, ये गेम ऑप्शन से मैंने आपको बोला था, यहाँ से हम क्रेजी मॉन्स्टर में घुसते हैं। जहाँ से हम ड्रीम वर्ल्ड खेलते हैं ना, इसी जगह से हम क्रेजी मॉन्स्टर में घुसते हैं। और मेरा इंटरनेट अभी इस बेहद स्लो है, तो पेशेंस रखना होगा, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। यस, ये है ड्रीम वर्ल्ड, ड्रीम वर्ल्ड से नीचे क्रेजी मॉन्स्टर। इस एपिसोड में मैं आपको जो ये मैंने EXP कलेक्ट कर लिया था एक्चुअली, तो मैं ये 1 और 3 EXP नहीं कलेक्ट कर रही, मैं पूरे घंटे या 2 घंटे के बाद EXP कलेक्ट करूँगी। अच्छा, अभी मैं इस वक्त जो है, चूँकि आज जो दिन है, आज हमारा फैमिली बॉस बैटल चलना है, ये देखिए जिसको मैं मार्क आउट कर रही हूँ, बॉस बैटल चलना है। तो मुझे इसके लिए ना अपने वेपन्स जो है स्ट्रॉन्ग करने हैं, लेकिन वेपन को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है, ये देखिए, ये मेरी प्रोफाइल, ये इसका लेवल, ये इसका हैंड पावर, और ये है डायमंड। ये डायमंड जो मेरे पास 12,000 है ना, मैंने अकलमंदी की, उसको कलेक्टेड रखा। इन 12 डायमंड्स को जनाब मैं यूज़ करूँगी यहाँ इस ऑप्शन क्वेस्ट में, ठीक है। एंड क्वेस्ट में डायमंड देके यहाँ से मैं हथियार खरीदूँगी, टूल्स, इक्विपमेंट, वेपन, जो भी कहना चाहते हैं आप, आपको जो भी आसान लगे आप वो कह सकते हैं, यहाँ से वो मैं ख़रीदूँगी। लेकिन पहले मुझे देखना है कि क्या मेरा एडवेंचर स्टेज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ये एडवेंचर स्टेज। फिर मुझे उसके बाद देखना होगा कि क्या मेरी PvP स्टेज, ये PvP, क्या ये मेरे PvP मैचेस जो हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। अगर PvP मैचेस कंप्लीट नहीं हुए तो मुझे क्वेस्ट कार्ड, वेपन कार्ड्स PvP से भी मिल जाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, पहले तो मैं एडवेंचर स्टेजेस पे घुसती हूँ। नहीं जी, ये देखिए, ये है मेरी एडवेंचर स्टेजेस में, लेवल है 147 और ये 5 के 5 मेरे स्टेजेस यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो मैं इनको खेलती हूँ और देखती हूँ कि मुझे क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ये देखिए, 147 को क्लिक किया और शुरुआत कर दिया अटैक की। अब मुझे पहले अटैक से ही पता लग रहा है कि मैं लेवल कम्प्लीट नहीं कर पाऊँगी। इसका फर्स्ट लेवल ही मुझे समझा गया है कि मैं लेवल ही कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने जो नेक्स्ट जो मेरे 4 मैचेस बच गए हैं ना, मैं इस 148 वाले लेवल पे वेस्ट नहीं करूँगी। मैं 147 वाले लेवल पे क्लिक करके यहाँ पे, ये देखिए 4 मैचेस रह गए थे मेरे, 4 चैलेंजेस, मैं इसको रेड कर दूँगी। रेड करने से मुझे ये EXP मिलेगा मेरे मोस्टल लेवल के लिए। चलिए जी, रेड, ये देखिए 10,000 EXP लेवल को इंक्रीज करने के लिए। देन दूसरा फिर से रेड करूँगी, ये देखिए अगेन 10,000 EXP मिल गया। देन अगेन मैं रेड करूँगी, अगेन टिकट कर लूँगी। एंड ये है लास्ट स्टेज, 5वां जो है वो हमने खेल के वेस्ट किया था। तो रेड कर लिया और मैंने टोटल 40,000 EXP जो है अपने लेवल के लिए कलेक्ट कर लिया। अब जनाब, जब हम ये स्टेजेस खेलते हैं ना, तो हम हारें या जीतें, हमें इसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। एक तो रिवॉर्ड ये रेड की सूरत मुझे EXP मिला है, ठीक है, ये रिवॉर्ड ना हुआ, ये मेरी लेवल के, ये मेरी चैलेंज के बदले जो है उसने मुझे EXP दिया है। लेकिन जो रिवॉर्ड है ना यहाँ का, वो मुझे मिलेगा ये मिशन से, इस वाले ऑप्शन से। तो मैं मिशन को क्लिक करती हूँ, ये देखिए क्लेम करती हूँ, ये मुझे EXP कार्ड मिला है, जो AFK में हम EXP जो है वो करते हैं। ये मुझे 2 आवर्स वाला भी कार्ड मिला है EXP का, और 50 टाइमर्स मिल गए हैं। ये हो गया मेरे लिए बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि मेरे पीछे बहुत ज़्यादा शोर है। तो आई गैस मुझे क्या करना चाहिए, आई थिंक कंटिन्यू रखनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, मेरा एडवेंचर स्टेट कंप्लीट हो गया है, फैमिली बॉस जो है वो स्टार्ट होगा मेरा तकरीबन 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद, आधा घंटा रह गया है, ये स्टार्ट हो जाएगा। AFK मैंने समझाया हुआ, ये जो दो अभी मैंने स्टेजेस से दो जो मुझे कार्ड्स मिले हैं ना मिशन से, यहाँ से 2 कार्ड्स जो मिले हैं, ये और ये, ये दोनों कार्ड्स यहाँ से यहाँ पे गए हैं, यहाँ पे ओपन हो जा, खुल जा सिम सिम इंटरनेट आज की डेट पे, खुल जाना प्लीज, मेरी वीडियो लंबी हो रही है। लेट मी ट्राई अगेन, ये थैंक्स टू अलमाइटी, ये देखिए एक ये कार्ड मिला था 1 आवर वाला, और एक ये कार्ड मिला था 2 आवर वाला,
ये मैं यहीं पे रहने दे रही हूँ। इसकी जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं खेलती हूँ आपके साथ ना AFK से आगे, ये PVP स्टेजेस। इस PVP जो स्टेज है ये बेस करती है आपके, ये देखिए जहाँ पे मैं पॉइंट कर रही हूँ इस पे, ये आपका हैंड पावर, और ये बैग में जाएंगे तो इस पे, ये देखें 11,000। इस 11,000 वाले HP पे आपका PVP जो है मैचेस वो बेस करते हैं, आप इसके मुताबिक विन कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं मैं क्या करती हूँ। ये देखें, ये मेरे पास, ये मेरी अगेन प्रोफाइल आ चुकी है जनाब, और ये देखें 5 मैचेस हैं मेरे पास, एक दिन में 5 मैचेस ही मिलते हैं। और मेरा इस वक्त जो है स्कोर वह है 2201, मेरा जो है, हाँ जी 2201। चलिए मैच स्टार्ट करते हैं, और कोई भी मैच, कोई एक मैच भी स्किप नहीं करना, वरना आप रिवॉर्ड लेने से महरूम रह जाएंगे। अच्छा जी, ये देखिए, ये है मैच सक्सेस, ठीक है। ये तो है, पता नहीं क्यों लिख रखा मैंने अभी तक, तो मैं सक्सेस नहीं की। ये है मेरी हैंड पावर, ये है मेरी PVP डिफेंस पावर, ठीक है। डिफेंस पावर 2201, जो कि मेरा स्कोर मैंने बनाया था पिछला PVP खेल के। अब 2201 और 66,000 को जहन में रखते हुए मेरे पास ये दो हैं कॉम्पिटिशन्स। इन दो कॉम्पिटिशन्स में से मैं किसको चूज़ करूँ, किसको चूज़ करूँ, किसको चूज़ करूँ। यस, आई गेस ये 12 पॉइंट्स वाले चैलेंज को करती हूँ, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। चलें बिस्मिल्लाह। अच्छा, मेरा इस वक्त 11,000 यहाँ पे जो है वो था HP, इसका है 12,175। तो शायद मैं इसको हरा पाऊँ, बल्कि इंशाल्लाह ज़रूरी हरा पाऊँगी। यस, गुड अटैक कर रही है उस बंदे ने। आई थिंक आज अपने जो है वेपन्स, टूल्स, हथियार वो स्ट्रांग नहीं किए, इसलिए वो मुझसे हार रहा है, जबकि उसका पावर मुझसे ज़्यादा है। जी, ये देखिए मैंने उसको मार गिराया। नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो है मेरा 22,101 से हट के 22,101 यानी कि 2,201 से बढ़ के 2,213 हो गया है। और ये वाली तो पार्टी मुझे स्ट्रांग लग रही है, तो मैं इस वाली पार्टी को चूज़ करूँगी, 6 पॉइंट वाली। देखते हैं क्या बनता है। हाँ, मुकाबला तो ये अच्छा कर रही है। और इसकी, ये देखिए, इसका जो HP है ना, वेपन्स का HP, ये भी अच्छा है काफ़ी काफ़ी। गुड गुड गुड। और ये नेक्स्ट सीट पे मैंने इसको ठेर कर देना। यस, हम जीत चुके हैं दूसरा मैच भी। और ये देखें, ये दो रिवॉर्ड हैं, 10 डायमंड और एक क्वेस्ट कार्ड, राइट। ये पिछले में जो विनिंग पे भी मिला है, पिछले मैच विन करने में भी। अब हम मैच नंबर 3 खेलेंगे, और ये देखें 2,213 से बढ़ के 2,219 हो चुका है। अब 2,219 यानी कि 2,219 और 66,000, इसको जहन में रखते हुए मुझे ये वाला सूटेबल लग रहा है। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह का नाम लेके देखते हैं क्या होता है, या तो जीतेंगे या हारेंगे, कुछ तो करेंगे। ओ माई गुडनेस, ओ माई गुडनेस। इसकी देखें, ये देखें, ये पार इसकी 13,000 है। अरे मेरी चीती, मेरी वैम्पायर, हिम्मत कर। शाबाश, ठेर कर दे उसको, ठेर कर दे, मार दे, कॉम्बो मार डार्लिंग, कॉम्बो मार, ठेर करते हैं उसको। ये वेल डन, ये हुई ना बात, ये था मैच जबरदस्त। और ये देखिए, मुझे 28 डायमंड और एक क्वेस्ट कार्ड मिला है। सेकेंड लास्ट मैच आप देखते हैं, ये देखें 2,219 से 2,231 हो चुका है। अब मुझे, यस अगेन 12 पॉइंट्स वाला चैलेंज में करती हूँ क्लिक, देखते हैं क्या होता है, अल्लाह मालिक है बाकी। ओ माय गॉड, इसकी हैंड पावर भी 13,000 है। मेरी चीती, शाबाश, तुमने हारना नहीं है। जीती, जबरदस्त जबरदस्त अटैक, जबरदस्त, वेल डन, वेल डन यू माय गर्ल, वेल डन, यू आर ब्रिलियंट। अगेन हमें ये देखिए रिवॉर्ड, एंड नेक्स्ट मैच, लास्ट बट नॉट लीस्ट, 66,000 और 2,243। इसकी अकॉर्डिंग में मुझे क्या करना चाहिए गाइस, आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए? चलिए अल्लाह का नाम लेके, जस्ट जहाँ बाकी जो हैं वो मैचेस खेले हैं, रिस्क लिए हैं, वहाँ इसको भी देखते हैं लेके, 12 पॉइंट्स वाला। इंशाल्लाह जीतेंगे, यस इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे। इसकी देखें, इसके वेपन की पावर 10,000 है HP। तो
Oh my goodness. Well played, man. Well done. ये और यस, हम 5 मैचेस विन कर चुके हैं. और ये देखिए, मुझे ये डिफेंसिव शील्ड मिली है, पावर शील्ड. अब हम नहीं खेलेंगे, अब हम ये फैमिली कॉइन्स नहीं यूज़ करेंगे. इसके बाद मैं रैंकिंग पे जाऊँ तो मेरी रैंकिंग, आई डोंट थिंक सो, ठीक है. ये हो गए मेरे मैचेस 0, ये हो गया मेरा आज का स्कोर 2255, ये हो गया रिवॉर्ड. यहाँ से रिवॉर्ड लेना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. रैंकिंग आप चेक करें ना करें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं चेक करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ तो रैंकिंग में मैं इस वक्त कहीं भी नहीं हूँ, अनफॉर्चुनेटली कहीं भी नज़दीक नज़दीक नहीं हूँ. बट कोई बात नहीं, यहाँ से रिवॉर्ड लेती हूँ. बाहर से भी ले सकती थी लेकिन ये ओपन हो चुका है, तो यहाँ से ये देखिए क्लेम, ये क्लेम करूँगी. ये देखिए, 2 सुपर क्वेस्ट कार्ड हैं और 5 कॉमन क्वेस्ट कार्ड हैं जो कि इस वक्त मुझे मिल चुके हैं. अभी सुपर क्वेस्ट कार्ड, अब हम AFK पे जाते हैं, ठीक है. और ये देखिए, ये अब मेरा काम है इस साइड वाले, ये सारे ऑप्शंस पे, सारे ऑप्शन ना सही लेकिन ये 3 ऑप्शंस पे मेरा मेन काम है इस वक्त. जो क्वेस्ट कार्ड्स मिले थे, ये देखिए मुझे इस वक्त 9 क्वेस्ट कार्ड मिल चुके हैं, यानी कि ये वाले कॉमन क्वेस्ट कार्ड, और इनसे ये वाले टूल्स मिलेंगे. और सुपर क्वेस्ट कार्ड पे क्लिक करूँ तो सुपर क्वेस्ट कार्ड मुझे 2 मिल चुके हैं, ज़बरदस्त. तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगी और ये वाले वेपन्स लूँगी. यस, मुझे हेलमेट मिल गया एक. एंड द नेक्स्ट क्वेस्ट कार्ड, यस, मुझे एक और हेलमेट मिल गया. वेल डन. कॉमन क्वेस्ट में मेरे 9 कार्ड हैं और मुझे ओपन करने हैं 10 कार्ड्स. तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से 250 डायमंड का ना मैं एक क्वेस्ट कार्ड बाय कर लूँगी. ये देखिए मेरे पास हैं 12,436 डायमंड्स. तो मैं 250 का एक क्वेस्ट कार्ड जो है वो रिडीम कर रही हूँ, ठीक है, बाय कर रही हूँ. और यहाँ से मैं 10 क्वेस्ट कार्ड्स को इकट्ठे ही मर्ज करूँगी. ये देखिए मुझे क्या कुछ मिला है, ये देखिए देखिए देखिए, ठीक है. अब हम इसको क्रॉस करते हैं, यहाँ से जाते हैं बैग पे, यहाँ से जाते हैं बैग पे, और बैग में देखते हैं कि हमारे पास क्या चमत्कार हुआ है. पीछे की बैक नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा. और मुझे देखना है कि मेरा कौन सा टूल जो है इस वक्त वो हो रहा है स्ट्रॉन्ग. अच्छा, इस ये चूँकि बहुत लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे फ़िलहाल ख़त्म करती हूँ. और आपको टूल्स, आपके वेपन्स, ये सब इनको स्ट्रॉन्ग करने के तरीके पे मैं एक नई वीडियो बनाती हूँ, ठीक है. सो अब तक के लिए इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ. आपसे इजाज़त चाहती हूँ महक खान को. प्लीज़ आप इसका चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं आपके लिए बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ, ठीक है. और वीडियोस वो बना रही हूँ जो जो मुझे इन्फॉर्मेशन है. तो प्लीज़ सब्सक्राइब मत भूल करना मत भूलिएगा. इसको आगे शेयर कीजिए लिंक को, उनको सब्सक्राइब करने का बोलिए, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को. और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि कौन सा पॉइंट है जो आपको समझना है, ताकि मैं उस पर स्पेशली वीडियो बनाऊँ, ठीक है. सो प्लीज़ डोंट मिस टू शेयर, लाइक, कमेंट and subscribe my channel. Thank you so much and goodbye. Bless you all.